उसके पास ही रहा हमारे मैं तो बोला क्या रिश्ते आप मेरे हमारी गल नहीं सुनी तो इन्होंने बदली की है लिहाजा हम मीडिया का माध्यम ना लिया क्या मैं चाह के हमारा टीचर ना वापस की हो जाए इस वास्ते हम डीसी साहब को ले भी गया एसडीएम को ले भी गया उसके बाद जरा इस हम लोग क्या चाहते हैं इस्लाम हम लोग क्या चाहते हैं इस्लाम कि हम हर डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर एक आदमी के पास थे जो अहदेदार था लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी लेटर दिए सब कुछ किया लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा अगर इंतजामियों को चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए अगर ये स्कूल चलाना है तो हमारा टीचर जो है जो इस स्कूल का जो हमारे बच्चों के नाम पे पे ले रहा है उस टीचर को यहाँ वापस लाना चाहिए अगर नहीं लाएंगे तो हम रोड हाईवे जो कुछ हुआ जाम करेंगे तो इंतजामिया को हम मीडिया के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे टीचर को यहाँ वापस करें क्योंकि हमारा गला काट रहे हैं हमारे बच्चों का गला काट रहे हैं ये सबको चाहिए मिलकर। आदाब नाजरीन, इस समय हम मौजूद हैं छुंगा के प्राइमरी स्कूल गाई नाड़ा में जहां कुछ लोकल्स जो यहां हैं वो आज यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहां ये मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज जो है ये प्रोटेस्ट यहाँ क्यों कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। जी रशीद जी, आप बताएँ कि क्या वजह है कि आपने यहाँ स्कूल में जो है एक प्रोटेस्ट किया। सर, ये बड़ी देर से तकरीबन दो ढाई महीने तीन से भी ज़्यादा हो गए हैं कि हम डिपार्टमेंट वालों से हमने दरख्वास्त दी कि हमारा जो है टीचर है वो वापस आ जाए तो बेहतर है। देखते देखते अभी तीन महीने से भी ज़्यादा हो गया दिनों पर हमने क्या किया कि भाई ऐसा हमारा कोई सुनवाई नहीं करता है जब तक ये हमारे सब लोग इकट्ठे ना हों। अब लोग भी तंग आ चुके हैं, टीचर वो बोल रहे हैं कि भाई हमसे ये पढ़ाई जो है मुकम्मल नहीं हो रही। बच्चों से जब पूछते हैं कि भाई तुमको क्या क्या पढ़ाया तो बच्चे बोलते हैं कि भाई दो सब्जेक्ट लगाए तीसरा लगाया नहीं है। और जब रिसर्स होती है तो तीसरा ऐसा जो बच्चा है वो वापस घर चले जाते हैं, स्कूल में वापस भी नहीं आ सकते हैं। और फीमेल जो टीचर है वो क्या करेगा, वो उसके पीछे भागेगा, कुछ करेगा नहीं, कुछ कर सकता है कहीं दफ्तर का काम होता है कहीं बच्चे। और बच्चे देखो कितनी तादाद में यहाँ, इतने बच्चे अगर दूसरी स्कूल में अगर हैं तो तीन टीचर हैं चार टीचर हैं, इधर अगर 50 बच्चा है तो दूसरे में अगर 10-30 बच्चे हैं तो उधर तीन लगाए हुए हैं टीचर, तो इधर अगर दो हैं तो वो पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमने ये आज ये प्रोग्राम रखा है कि भाई सब लोग आएँ और सब बोलें अपना जो भी इसके बारे में बोलना है वो बोलें। अगर नहीं आएगा हमारा टीचर वापस तो हम क्या करेंगे, स्कूल और रोड को बंद कर देंगे। फिर आपको महकमा वाला आएगा पूछेगा भाई क्यों ये रोड बंद किया, क्यों स्कूल बंद किया, तो हम ये पूरी डेट से तक बताएंगे कि कितनी कितनी डेट से हम दफ्तर में गए हैं और कितनी डेट से हमारा ये स्कूल बंद हुआ है, बच्चों की पढ़ाई जो है कम हो रही है, टीचर कितने दिन से यहाँ से गया हुआ है, यहाँ से बाजार लेके गया गर्ल्स स्कूल में मेंडर में, वहाँ से गली स्कूल में भेज दिया, ऐसे करते करते हमारी जो दरख्वास्त थी उसकी कोई सुनवाई नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोकल से हैं, हम इनसे जानेंगे कि जब ये आला हकाम के पास लेके गए ये मुद्दा तो उनका क्या रिप्लाई मिला। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर है। जी सफ़ीर जी, आप बताएं कि जब आप इस मुद्दे को लेके आला हकाम के पास गए तो उन्होंने आपको क्या कहा? सर, हमारे को ये कहा कि दो चार दिन में वापस भेज देंगे, वो कहीं परमानेंट उनकी ट्रांसफ़र तो है नहीं है, वो उन्होंने अटैचमेंट किए हुए हैं, तनख्वाह जो है हमारे बच्चों के नाम पे लेके दूसरे बच्चों के दूसरे स्कूलों के बच्चों को पढ़ाते हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भी वहाँ हायर सेकेंडरी में टीचर रख सकते हैं। आपको क्या सिर्फ वही टीचर चाहिए या सर हमारे को वही टीचर चाहिए या और अटैचमेंट हमारे को कोई किसी की नहीं चाहिए। ये हमारे साथ यहाँ के लोकल्स थे जिनका ये कहना है कि हमें वही जो टीचर है जिसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है उसकी दोबारा यहाँ ट्रांसफ़र की जाए ताकि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उनको जो दुश्वारियाँ होती हैं वो दुश्वारियाँ पेश ना आए। और इन लोगों का ये कहना है कि जो वो टीचर है, वो टीचर जो है उसने यहाँ जो एक तालमी मियार था उसको जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ाया था स्कूल में। आप देखते रहिए मेंडर अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।